परफॉर्मेटिव ट्रिक्स आज हमारा टॉपिक है, राइट। तो फॉर्मेटिक ट्रिक्स में हमने लास्ट क्लास में आपको अलाइनमेंट, इसमें अलाइनमेंट्स के अंदर जो रोटेट करने वाला पार्ट होता है वहां तक पढ़ाई थी, राइट। अब चलिए इससे आगे जो है चीजें पढ़ाते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूं, आपके पास अगर पहले पिछली क्लासेस से कोई डाउट या किस तरह के क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक फॉर्म बनाने की, और फॉर्म में हम एक छोटा सा इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं यहां टाइप करूं बट मेरा लेटर यहां पे शो, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं कि मेरे पास एक लोकेशन है F1 और मैं F1 में कोई डेटा शो करना चाहता हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं F1 में टाइप ना करूं, मैं टाइप A1 में करूं। जैसे A1 में मैंने मान लीजिए मैं अपना ही नाम सुजीत लिखा, वो मेरा A1 पे शो नहीं होना चाहिए, वो मेरा F1 पे शो होना चाहिए। बट F1 में हमें किसी तरह की टाइपिंग नहीं करनी, F1 में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट वैल्यू प्रोजेक्ट वहीं पे होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इंडेन इस्तेमाल करते हैं। आप इस पे क्लिक करें और यहां आपको दिख रहा है इंक्रीज इंडेन, आगे और पीछे करने का दो ऑप्शन दिया गया है। अब इस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करते करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए, करते चले जाइए। कब तक? जब तक कि आपका टेक्स्ट आपके पोजीशन पे पहुंच नहीं जाता है। अब इसकी कलर व्हाइट, जो भी कलर वगैरह फॉर्मेटिंग करनी है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग करनी है, हम यहां करेंगे। इसमें इसकी व्हाइट कलर कर दी, इसकी साइज इंक्रीज कर दी, यहाँ हुआ। अब इससे क्या हुआ कि सामने वाला पर्सन को समझ में आएगा कि वैल्यू यहाँ टाइप कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश करेगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पे वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू कहाँ है? वैल्यू यहाँ, राइट। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, तो नेम दिख रहा है, जैसे नेम रीड करेगा सुजीत आ जाएगा। ये चीजें हम इनमेन के माध्यम से कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अब इंडेन के बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो आता है रैप टैक्स। अब किसी भी सेल पे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख रहा हूं सुजीत कुमार। अब सुजीत कुमार लिखते ही क्या हो रहा है कि ये यहां से इस तरह से ब्रेक हो रहा है, अब दिख पा रहा है, मतलब कि अभी दिख रहा है पूरा। जैसे बी कॉलम के अंदर अगर हम किसी तरह के वैल्यू टाइप करेंगे, हमारा नाम पूरा नहीं दिखेगा। अब चाहते कि मेरा नाम पूरा दिखे तो क्या करें? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जो ए और बी के जो ए होते हैं कॉलम के जो पार्टीशन होते हैं उस पे कर्सर डालने पे कुछ इस तरह का बनता है, आप इस पे डबल क्लिक करें तो आपका कॉलम बड़ा हो जाएगा। कॉलम बड़ा हो गया और पूरा नाम दिख जाएगा। कॉलम जितना बड़ा होगा, जितना उस टेक्स्ट को चाहिए जो टाइप आपने कर रखा है, सिर्फ एक ही नहीं पूरे कॉलम में जो भी टाइप होगा उसमें जितना चाहिए उतना बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, उतना चाहिए उतना बड़ा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज तो हो गई। अब इसमें अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि मुझे कॉलम बड़ा नहीं करना है, क्योंकि कॉलम बड़ा करने से मेरे प्रिंट पे इफेक्ट हो सकता है। तो इस केस में हम यहां से रैप टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट क्लिक करते ही टूट के नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने हिसाब से तोड़ के नीचे करूं। तो टाइप करते समय या कर्सर जहां भी पॉइंट कीजिएगा वहां से आप ऑल्ट एंटर, जी हाँ ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो टूट के नीचे आ जाएगा, फिर टाइप कीजिए ऑल्ट प्लस एंटर इस तरह से आ। तो रैप टेक्स्ट समझ में आया? रैप टेक्स्ट के बाद जो अगला ऑप्शन है उसे उसके बारे में बात करें। तो अभी अभी हमने रैप टेक्स्ट के बारे में जाना। रैप टेक्स्ट करने से क्या होता है कि ये टूटता है तो हमारा रो बड़ा हो जाता है। दूसरा, हमने आपके साथ बातचीत की
डबल क्लिक करने से हमारा कॉलम बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना रो बड़ा हो ना कॉलम बड़ा हो, मेरी इसी सेल में मेरा वैल्यू फिक्स हो जाए। तो अलाइनमेंट्स में आपके पास एक ऑप्शन होता है श्रिंक टू फिट, इस श्रिंक टू फिट को इस्तेमाल करें एंड ओके करें, तो क्या होगा कि कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट का साइज फिक्स हो जाएगा। जब आप कॉलम बड़ा करेंगे तो ये अपने आप को बड़ा कर लेगा, और जब कॉलम छोटा करेंगे तो ये अपने आप को छोटा कर लेगा। ये होता है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट के बाद हम बात करते हैं मर्ज सेल को। देखिए, मुझे एक बहुत बड़ा सेल चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर दें। मर्ज करने भी बड़ा हो जाता है, हो गया बड़ा। देखिए, एक मर्ज में एक चीज और भी आता है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसी में आता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस जब करते हैं तो क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, मर्ज अक्रॉस, हाँ मर्ज अक्रॉस जब करते हैं तो ये सिर्फ रो को मर्ज करता है, कॉलम को मर्ज करता है, रो को मर्ज नहीं करता है। तो फॉर्म अगर जब हम बनाते हैं तो इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो इसकी जरूरत हमें पड़ जाती है। ओके, मर्ज के बाद हम बात करते हैं नंबर फॉर्म। नंबर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल का, क्योंकि हम ज्यादातर फॉर्मेटिंग में नंबर पे ही काम करते हैं। तो नंबर फॉर्मेट में जनरल फॉर्मेट मतलब जैसा आप टाइप करेंगे उसी तरह का होता है, बट नंबर फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे डालता हूं। तो नंबर फॉर्मेट के अंदर अगर आप नंबर की फॉर्मेटिंग लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली तीन चीजें यहाँ पे होती है। पहली डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस कैसे डाल सकते हैं उसके लिए यहाँ आप नंबर्स दे सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी अपने डेसिमल चॉइस कर सकते हो। दूसरा होता है थाउजेंड सेपरेटर, क्या यहाँ देखिए सैंपल कि थाउजेंड का सेपरेटर लगाना है, नहीं लगाना है, थाउजेंड का सेपरेटर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। अब यूएस बेस्ड है या इंडियन बेस्ड है और डिपेंड करता है आपकी रीजन के ऊपर कि आपने सेटिंग में कंट्रोल पैनल की सेटिंग में कौन सा रीजन सेलेक्ट कर रखा है। और नीचे जो होता है नेगेटिव्स, कि नेगेटिव्स आने भी क्या शो हो, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये रिफ्लेक्ट कर लिया तो अब नंबर पे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही माइनस में आप कुछ डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, बट ये रहेगा माइनस ही, बट शो रेड होगा, माइनस का सिंबल शो नहीं होगा, कलर रेड शो होगा। अगर आप ए सिलेक्ट करते हैं नीचे वाला तो माइनस भी शो होगा और रेड भी शो होगा। ये हमारी नंबर फॉर्मेट के अंदर चीजें होती है। ये आपने दिखाया था लास्ट दिन एक दिन ये वाला। अब हम चलते हैं करेंसी के ऊपर। नंबर फॉर्मेट के अंदर में करेंसी फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट में बात करते हैं। करेंसी फॉर्मेट में यहाँ सबसे पहले तो आता है कि आप इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ जो होता है करेंसी के सिंबल होते हैं। अब डिफॉल्ट में ना यहाँ रुपीज देख रहे हो, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जब सिस्टम इंस्टॉल किया था तो मैं अपना रीजन इंडिया सेलेक्ट किया था, इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया था, इसलिए रुपीज सिंबल आ रहा है। लेकिन ऑफिस में जनरली आपका यूएस होता है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट होता है, तो वहां आपको डॉलर आएगा। अब डॉलर के अलावा आपको यहाँ जिस कंट्री का सिंबल सिलेक्ट करना है उस कंट्री का सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर मल्टी कंट्री में काम करते हो, आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपने डॉलर सिलेक्ट कर लिया तो डॉलर किस कंट्री का है पता नहीं चलता ना, क्योंकि देखिए इतने सारे कंट्रीज डॉलर यूज कर रहे हैं। तो उस केस में हम यूज करते हैं कंट्री कोड, जैसे कि यूएसडी, यूएसडी डॉलर। तो हर कंट्री का एक करेंसी कोड होता है, उस करेंसी कोड को भी आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा नेगेटिव हो तो कैसा हो, माइनस में हो, रेड हो, रेड और माइनस दोनों हो, ये आप चूज कर सकते हैं। ओके कीजिए, उसी हिसाब से आपका शो होगा।
पूरा कॉलम के लिए ये फॉर्मेटिंग कर सकते हैं क्या कि जब मैंने नेगेटिव नंबर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली वो रेट शो करेगा? कर सकते हैं ना सर? आपका आज अभी लग रहा है कि वो इसमें माइक की प्रॉब्लम हो गई है सर, आपका वॉइस में इको हो रहा है। लेकिन सुजीत जी आपने ऑलरेडी किया है एक सेशन में? नहीं, लास्ट क्लास से पूछा ये इशू क्या है? नहीं नहीं, ये जो आप जो नंबर फॉर्मेटिंग दिखाया उसके बाद जो अभी ये नेगेटिव ये जो दिखाया आपने उसके बाद आप जो करेंसी का जो दिखा रहे हैं ना, ये आपने लास्ट एक सेशन में ऑलरेडी किया है, करवाया है आपने ये। फिर कस्टम में जाके वो कोलोन देके यूएस लिख के स्पेस देके वो अगर आप हम लिखेंगे तो हम उसको ड्रैग करके कर सकते हैं, ये आपने दिखाया है लास्ट एक सेशन में। सर वो तो ऐसे इंट्रोड्यूस किया था ना आपको, अच्छा, डिटेल में थी बताया था। अच्छा अच्छा, आपकी लास्ट क्लासेस में हमने पेस्ट स्पेसर खत्म करके तब इसमें आया ना। अच्छा समझ गया समझ, ठीक है। तो जो पेस्ट स्पेसर पेस्ट इज अ नंबर फॉर्मेटिंग था तो मैंने वहां पे बता दिया था आपको थोड़ा सा, नंबर फॉर्मेटिंग समझ में नहीं आ रहा था इसलिए डिटेल में पढ़ रहा है ना। ठीक ठीक ठीक। अच्छा और एक चीज है, ये आपका जो वो 5 घंटे का जो वो जो मास्टर क्लास जो था ना, वो भी मैंने एक घंटा, उसमें भी मैंने एक घंटा वो देखा है, उसमें भी ये चीजें थी। उसमें एक्चुअली वो लेंस लेके थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन था तो वो बाद में करेंगे वो। अच्छा कल्याण जी क्या हुआ, आपकी क्वेश्चन समझ में आया मुझे, क्या पूछ रहे थे? कल्याण जी आप समझ पा रहे मुझे? इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम हो। चलिए आगे बढ़ते। कल्याण जी आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, आवाज तो आपकी आ रही है लेकिन बड़ी अजीब से आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, काफी शोर शराब वाला आवाज आ रहा है आपका। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन कीजिए फिर से। कस्टम पे गए, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम हमने जीरो को डाला और जैसी ओके किया ये 06 डिजिट को मेंटेन कर दिया। जी हाँ, 6 डिजिट को मेंटेन कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा जस्ट विजुअल है, यहाँ पे जस्ट 00263 ही है, यहाँ पे एक्चुअल में 263 है बट विजुअल 00263 हो रहा है। किसकी मदद से? कस्टम फॉर्मेटिंग की मदद से। कस्टम फॉर्मेट में हमने नंबर के अंदर कस्टम में हमने जस्ट क्या किया हुआ है, 6 टाइम जीरो डाला हुआ है। मान लीजिए मुझे अपने इस सेल में मोबाइल नंबर लिखना है तो नॉर्मली आप मोबाइल नंबर लिखते हैं कुछ इस तरह से तो आपका मोबाइल नंबर एक्सेप्ट हो जाता है, पर मुझे मोबाइल नंबर विथ करेंसी कंट्री कोड चाहिए, कंट्री कोड मतलब कि +91880257 93888 ये मेरा खुद का नंबर है, मैं डाला। अब एंटर मारते ही क्या हो गया, ए हो गया साइंटिफिक फॉर्मेट में। तो होता है क्या है, दो चीजें है, ये तो 12 डिजिट का है, 12 डिजिट क्या प्रॉब्लम है ये आगे बात बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसमें हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो इक्वल से लिख सकते हैं या प्लस से लिख सकते हैं, तो सिस्टम समझता है कि फॉर्मूला ले रहा है इस कारण से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे +91 हमको फिक्स रखना है, हम चाहते हैं +1 ना टाइप करें, हम नंबर ही टाइप करते हैं, +91 अपने आप लग जाए। तो यहां नंबर फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर कस्टम पे जाएं और कस्टम पे जाने के बाद +91 डाल दें या जो भी कंट्री है आपकी, कंट्री कोड है डाल दें, हालांकि +91 ही होगा क्योंकि इंडिया में आप रहते हैं। इसके बाद यहां पे आप
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 टाइम आप जीरो डाल दें। जैसे ही आप 10 टाइम जीरो डालेंगे, अब मैं यहां पे 8802579388 लिखूंगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इस तरह से एक आ गया। राइट सर? यस। विदाउट इसमें नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ आ रही है। अब मैं यहां पे मीटिंग आईडी लिखना चाहता हूं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग की वजह से हम यहां पे फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं मीटिंग आईडी लिखना और मेरा मीटिंग आईडी हर 3 डिजिट के बाद इस तरह से चेंज होना चाहिए। ये तो हमने मैन्युअली किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपना नंबर लिखूं हर 3 डिजिट के बाद और डैश अपने आप स्पेस अपने आप लगा दे। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के में जाऊंगा। कहां से कैसे जाऊंगा? फॉर्मेट सेल के अंदर, नंबर के अंदर, कस्टम में, और यहां हम देंगे 3 बार जीरो या हैश। जीरो या हैश दोनों दे सकते हैं। इस पर मैं हैश देता हूं, 1, 2, 3 स्पेस दीजिए, डैश दीजिए, अगेन स्पेस 1, 2, 3 स्पेस डैश स्पेस अगेन 1, 2, 3। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दिया, और ऊपर में आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता है कि कैसा शो करेगा आपका नंबर। ओके कीजिए, ये नंबर आपका इस तरह से शो हो गया। ये नंबर में अगर जीरो रहेगा वो तो नहीं लेगा ना हैश? वो भी ले लेगा। हाँ जी, हैश नहीं लेगा, जीरो रहेगा तो लेगा। हाँ, बीच में जीरो हुआ तो ले लेगा, स्टार्टिंग में जीरो हुआ तो नहीं लेगा। ये आपने वो 5 घंटे का उसमें दिखाया है मैंने ये। अब यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ अकाउंट नंबर टाइप करना। अब अकाउंट नंबर अगर आपका 10, 12 डिजिट का, 11 डिजिट तक तो आपका शो कर देगा सिंपली, लेकिन जैसे 12 डिजिट का होगा वो साइंटिफिक फॉर्मेट में शो कर देगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नंबर फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट सेल के अंदर कस्टम में जाएं और यहाँ पे आप कुछ नहीं, एक जीरो या हैश दे दो। जीरो भी दे सकते हैं और हैश भी दे सकते हैं। इस बार मैं जीरो दे देता हूँ, देन ओके आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही नंबर जाएगा 15 डिजिट तक, 13, 14, 15 डिजिट तक आराम से शो करेगा। 15 डिजिट के बाद जैसे 16 डिजिट डालोगे, मैं मान लीजिए इसमें डाला 5, वो आपका जीरो बन जाएगा। या फिर मैंने मान लिया 7, 8, 9, 6 चार डिजिट डाल दिया, ये 4 जीरो बना दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेल के अंदर में या आपकी जो कंप्यूटर है उसकी जो मैक्सिमम कैलकुलेशन का जो कैपेसिटी है वो आपका 15 डिजिट तक का है। वो 15 डिजिट से ज्यादा की कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। अगर आप उससे ज्यादा की कैलकुलेशन देते हैं तो उसको जीरो में कन्वर्ट कर देगा। जी हाँ, जीरो में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे +1 किया तो +1 करने के बाद लास्ट बार 0 1 होना चाहिए, नहीं होगा, 0 1 जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर आपको 16 डिजिट 15 डिजिट से ज्यादा नंबर्स लिखने हैं तो सिंगल कोड लगाएं और 32,767 कैरेक्टर आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन वो किस में होगा? तो टेक्स्ट में होगा, वो नंबर बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? टेक्स्ट होगा। समझे कल्याण जी? एक ये है, आई मिस दिस, ये 12 डिजिट करने के लिए आपने क्या किया फॉर्मेटिंग में? कस्टम जीरो या हैश डाल दूंगा, जीरो या फिर हैश कोई भी है। अच्छा, ये लास्ट में क्या, मेरे को एक बार थोड़ा बता दीजिए लास्ट वाला जो किया आपने। हमने कुछ लास्ट वाला कुछ नहीं किया, हमने बोला कि आप 15 डिजिट से ज्यादा नंबर फॉर्मेट में लिख सकते हो, नंबर में नहीं लिख सकते हो, लिखोगे तो जीरो हो जाएगा। हाँ, वो समझ गया। उसके बाद सिंगल कोड लगाइए ना, इसको टेक्स्ट मार दीजिए। ओ अच्छा अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ शुरुआत, लेकिन फिर उसके बाद फॉर्मूला नहीं लेगा ना? तो आप जाहिर सी बात है ना, 15 डिजिट से ज्यादा की कैलकुलेशन आपका एक्सेल करेगा ही नहीं।
तो फॉर्मूला लगा लोगे कैसे तुम? हाँ वही बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लेगा उसको, क्योंकि कैपेसिटी से ही बाहर है ना आपकी सिस्टम की। सुपर कंप्यूटर क्यों बना हुआ है? इसीलिए बना हुआ है ना, इससे ज्यादा की कैलकुलेशन की आपकी जो अगर हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, राइट? इसे हम उसको पीसी कह रहे हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर की कैपेसिटी इतनी ही होती है, क्योंकि पर्सनली लोग इतना इससे ज्यादा अमाउंट कैरी नहीं कर सकता ना सर। समझ गया। अब इससे आगे आपको जो पढ़ने हैं उसके लिए आपको एक आर्टिकल पढ़ना होगा, टाइम टू है स्टडी, बहुत मैंने बहुत पढ़ा लिया आपको, आपको पढ़ना है। आपको मैं एक आर्टिकल दे रहा हूं, ये देखिए दिख रहा है आपको? ठीक है, इस आर्टिकल को आपको पढ़ना है। इस पे देखिए, इसको क्लिक कीजिएगा, इसके नीचे और भी आएगा, ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही इतना ही छोड़ दीजिएगा, इस पे क्लिक करने पे नीचे की भी ऑप्शंस आएंगे। इस पे देखिए, इस पे ठीक है आपको सर? ठीक है, इस आर्टिकल को आप स्टडी करें। इस आर्टिकल में समझाया गया है कि क्या क्या कोड, किस तरह का कोड आप कस्टम कंप्यूटिंग में डाल सकते हो। अब इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा तो फिर हम आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे कल से। क्या बोले कल्याण जी? ठीक है सर। और ये फाइल, ये लिंक मैंने व्हाट्सएप कर दिया, इसको स्टडी कीजिए और आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ी देर में भेज देता हूँ। हालांकि आपने तो जो कल्याण जी ने नहीं किया रिकॉर्ड, मैं आपको कल्याण जी भेज देता हूँ, मुझसे 10 मिनट में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।